दोस्तों बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 अपने फिनाले की तरफ बढ़ चुका है और ऑफिशियली फिनाले की डेट सामने आ चुकी है जो है 2 अगस्त की यानी कल की फ्राइडे की। तो फ्राइडे नाइट जो है पूरा पावर पैक्ड होने वाला है क्योंकि कल रात 9 बजे से ग्रैंड प्रीमियर जो है ग्रैंड फिनाले जो है वो बिग बॉस ओटीटी का स्ट्रीम होना शुरू हो जाएगा और जियो पे ओटीटी पे आप इसको देख सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है खेल के बीच की एक काफ़ी सारी अप्स एंड डाउन जो है घर के अंदर जब कंटेस्टेंट जितने भी घर के अंदर मौजूद थे ओटीटी 3 में सबने अपने अपने तरीके से गेम को समझा, सबने अपने 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 तरीके से जर्नी को एंजॉय किया, लेकिन लास्ट तक पहुंचे केवल 5 सदस्य जिनका अगर नाम बताऊं तो पहले नंबर पे रणबीर शोरे जो कि हाउस ऑफ कैप्टन भी है इस समय, दूसरे की अगर बात की जाए तो सना मकबूल, तीसरे की बात की जाए तो साई केतन, चौथे की बात की जाए तो कृतिका और पांचवें की बात की जाए तो वन एंड ओनली नन अदर देन हमारे नेजी दाबा। जी हाँ, ये 5 फिनाले के कंटेस्टेंट्स हैं जो हमने आपको बता दिया जिन्होंने इस खेल को डे 1 से लेके अब ये फाइनली पहुंच चुके हैं फिनाले में। और आपको ये भी बता दूं कि फिनाले से पहले जो कल रात का एपिसोड था उसमें हुआ है एक मिड वीक डबल एविक्शन जो कि बहुत ज़्यादा शॉकिंग था खुद मेरे लिए भी क्योंकि मैं बिग बॉस को डे 1 से फॉलो कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी शॉकिंग एविक्शन मुझे लगी लवकेश कटारिया, जी हाँ, जिसको बिग बॉस का विनर बताया जा रहा था, जिसको टॉप 3 में बताया जा रहा था, वही लवकेश कटारिया बिग बॉस के घर से बेघर हो गया, वो भी जस्ट फिनाले के 2 दिन पहले। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत एक शॉकिंग एविक्शन थी क्योंकि जिस तरह घर का माहौल चल रहा था उस समय या एल्विश आर्मी या जो उनकी सिस्टम आर्मी थी जो लगातार लवकेश को सपोर्ट करते आ रहे थे, लेकिन लवकेश कटारिया वोटिंग की वजह से नहीं, घर के अंदर जो म्यूचुअल डिसीजन था घर वालों का कि कौन घर में रहेगा कौन नहीं, उसकी वजह से लवकेश कटारिया को घर से सबने मिलकर घर से बेघर कर दिया। वहीं बात की जाए तो अरमान मलिक की अगर बात की जाए तो अरमान मलिक शुरू से लेके ही लास्ट तक एविक्टेड थे, नॉमिनेटेड थे। और वहीं बात की जाए तो नॉमिनेशन उनको बिग बॉस ने खुद दिया था कि जो उनका थप्पड़ कांड था कि आप जब तक बिग बॉस के अंदर रहेंगे आप नॉमिनेटेड रहेंगे, तो वही जनता के कम वोट्स के जो है हिसाब से अरमान जी जो है घर से बेघर हो गए। तो ये भी एक बड़ा शॉकिंग एविक्शन था क्योंकि अगर वोटिंग की बात की जाए तो अरमान को देखा जा रहा था कि वो भी फिनाले में तो कम से कम जाएंगे, लेकिन वो तो नहीं गए, लेकिन उनकी बीवी यानी उनकी सेकंड वाइफ कृतिका मलिक तो भैया पहुंच चुके हैं फिनाले में। अब रोमांचक मोड ये आने वाला है कि 5 जो सदस्य हैं वो फिनाले में पहुंच चुके हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मैं जो प्रेडिक्शन करता हूं मेरे हिसाब से मुझे टॉप 2 की अगर बात की जाओ, टॉप 3 की चलो बात कर लेते हैं, पहले नंबर पे मुझे लग रहा है रणबीर शोरे, दूसरे नंबर पे मुझे लग रहा है नेजी दाबा और तीसरे नंबर पे सना मकबूल और चौथे नंबर पे कृतिका मलिक। साई केतन मेरे हिसाब से मनी बैंक लेके मनी इन द बैग लेके निकल जाएंगे मेरे हिसाब से जो मुझे अभी तक प्रेडिक्शन लग रहा है। लेकिन अब टॉप 2 में थोड़ी सी लड़ाई है क्योंकि नेजी का भी वोट बैंक बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अगर गेम के हिसाब से देखा जाए और जो जनता का प्यार अभी जिसको मिल रहा है जो अपना करियर दोबारा से पीक पे उनका जा रहा है रणवीर शोरे की मैं बात करूं तो वो भी मुझे मेरे हिसाब से अगर इन 5 में से डिजर्विंग कोई विनर है तो वो रणवीर शोरे है। और एज अ ऑडियंस भी मैं इस चीज़ को देख रहा हूँ, एज अ एंटरटेनमेंट एक्सपर्टीज जो भी उसके मुताबिक जो शुरू से मैं लास्ट तक देख रहा हूँ तो मेरे हिसाब से रणवीर शोरे जो है उनको ये शो जीतना चाहिए क्योंकि बात की जाए तो काफ़ी टाइम से वो साइडलाइन हो चुके थे, काफ़ी टाइम से हमें दिख नहीं रहे थे, लेकिन अब हाँ बिग बॉस जीतने के बाद काफ़ी सारे और प्रोजेक्ट्स उनके पास आएंगे और खुद एंडेमोन की तरफ से भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं क्योंकि विनर के पास काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ रहती है और उन्होंने खुद ही बोला था कि मेरे को ट्रॉफी ज़्यादा 25 लाख में इंटरेस्ट है, तो 25 लाख तो वही जीतेगा जिसको ट्रॉफी आएगी, लेकिन हाँ ट्रॉफी तो आएगी लेकिन काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स भी आपकी झोली में लेके आएगी, तो ये ट्रॉफी बहुत ज़्यादा अहम होने वाली है। पिछली बार बात की जाए तो रणवीर शोरे की अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो एल्विश यादव पिछला सीज़न जीते थे ओटीटी 2 और वो थे एक यूट्यूबर, लेकिन क्या एक बॉलीवुड एक्टर ये सीज़न जीतेगा क्योंकि जिस तरह से चेंजेस पहले दिन से देखने को मिले, चाहे वो फ़ोन की घर के अंदर एंट्री हो, चाहे होस्ट का चेंज होना हो, चाहे बाहर वाले का एक शर्त हो, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें जो घर के अंदर फेरबदल हुई हैं। इसी के साथ साथ बिग बॉस ने कल ये भी बता दिया कि बाहर वाला सना मकबूल थी इसलिए वो घर से बेघर नहीं हो पाई, तो काफ़ी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आए, लेकिन फिनाले की तरफ गाड़ी जो है मुड़ चुकी है। अब जनता के हाथ में फैसला है कि कौन होगा बिग बॉस ओटीटी 3 का विनर, किसके घर आएगी चमचमाती ट्रॉफी। लेकिन एल्विश यादव भी लगातार नाराज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि उनका जो दोस्त है वो ये ऐसे एलिगेशन लगाते हुए नज़र आ रहे हैं कि वोटिंग से नहीं हरा पाए तो दूसरे तरीके से घर वालों ने मिलकर उनको निकाल दिया, हालांकि उनके दोस्त हैं, उनका नाराज़ होना भी घर वालों से लाजमी है, लेकिन गेम तो भैया गेम है, जो खेल गया वो आगे बढ़ गया, जो रह गया पीछे वो घर से बेघर हो गया। बट हाँ काफ़ी सारी चीज़ें थी, लवकेश कटारिया का भी ये बयान आ रहा है कि मेरे को घर के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिली है, काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली है, लेकिन विनर तो भैया कोई एक ही होगा। लेकिन ये मैं जिम्मेदारी ये मैं आपके ऊपर जिम्मा सौंपता हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आपके हिसाब से
बिग बॉस OTT3 कल कौन जीतने वाला है और किसके घर आएगी चमचमाती ट्रॉफी और गाड़ी, तो ये सब तो आएगा ही, अगर साथ में एक 25 लाख का वूपिंग अमाउंट भी। तो आपके कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप वहाँ पे जाके अपनी राय जरूर दें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, बिग बॉस OTT सीजन 3 कल हमारे साथ फिनाले देखना बिल्कुल ना भूलिएगा इसी प्लेटफॉर्म पे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।